भारतीय जनता पार्टी ने एक भी चुनाव नहीं लड़वाया, एक भी सिंबल नहीं दिया मुझे। भारतीय जनता पार्टी का कोई रन नहीं है हमारे पास, हमारे ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक डैमेज कंट्रोल के लिए बनाया है। छतरपुर जिला में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा मलहरा में प्रत्याशी एक बार फिर से घोषित हो गए हैं। प्रद्युम्न सिंह लोधी और इनके टिकट की घोषणा के बाद पार्टी में इनको विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के कई दावेदार मुहिम चला रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से प्रद्युम्न सिंह लोधी को टिकट मिली और जिला पंचायत के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के नेता करण सिंह लोधी ने इस्तीफा दे दिया है और ऐलान कर दिया है कि वे निर्दलीय चुनाव के मैदान में होंगे। स्थानीय के मुद्दे पे आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी सिंचाई के मुद्दों पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं आवागमन की सुविधाओं के लिए हम चुनाव मैदान में। इसके पूर्व में भी कई लोग मैदान में आए हैं इसी विधानसभा क्षेत्र से और उसके बाद उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए, क्या स्थितियाँ होंगी? ऐसा हम पूर्व में भी कह चुके कि ऐसा होगा नहीं कि हम वापस ले लेंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये होगा नहीं। मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है अपने कुटीर से दल में, इसलिए चुनाव मैदान में। 30 सरासर आपको विदित है, बाहरी प्रत्याशी आते हैं, बाहरी उम्मीदवार आते हैं और वो धरातल की स्थितियों पे कोई ध्यान नहीं देते, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में आपने कहा था कि पहला पटेल से बात हुई है और भी नेताओं से कहीं कॉन्टैक्ट में थे आप, और आपने कहा था कि क्षेत्रीय प्रत्याशियों को प्रत्याशी बनाया जाएगा, फिर भी नहीं बनाया गया, आखिर ऐसा क्यों? हमने जो आपने बताया है, हमने आग्रह किया था कि हमारे क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज के व्यक्ति को हमारे क्षेत्र को उम्मीदवार दें, लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और आज तक पूर्व में नहीं बनाया, वही स्थिति पार्टी उनकी अपनाई जा रही है। इन्हीं कारणों से मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। अगर प्रद्युम्न सिंह, आपने कहा इसके पहले कि प्रद्युम्न सिंह बिकाऊ थे, अगर प्रद्युम्न सिंह बिकाऊ थे तो फिर आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? विरोध किया था, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई थी और उन्होंने एन प्रकार चुनाव जीता, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए। अब चूंकि आप अलग हो गए हैं उनसे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नेता ने आपसे आपको मनाने की कोशिश की? हाँ, बहुत सारे नेताओं ने हमें फोन लगाया कि आप मान जाइए। मैंने कहा कि हम घर से निकल आए हैं, उड़ने का सवाल नहीं है, हम जनता जनार्दन के बीच पहुँचे हैं। जीतने के बाद क्या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे? नहीं, मैं जनता जनार्दन के साथ। लोगों ने कहा है, साथ ही उनका कहना है कि ऐसा ना हो कि आप अभी तो मैदान में आए और फिर उसके बाद आप पर प्रेशराइज बनाया जाए और उसके बाद आप वापस हो जाए। बिल्कुल प्रेशर नहीं आएगा, मैं जनता जनार्दन की भावना की कर्तव्य करूंगा और उनके भाव के अनुसार ही हम उनके बीच रहेंगे, वापस जाने का कोई सवाल नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने आपको इतने चुनाव लड़वाया और उसके बाद जिताया, अभी फिर भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया तो लोगों के लिए कैसे? भारतीय जनता पार्टी ने एक भी चुनाव नहीं लड़वाया, एक भी सिंबल नहीं दिया मुझे। भारतीय जनता पार्टी का कोई रन नहीं है हमारे पास, हमारे ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक डैमेज कंट्रोल के लिए बनाया है, उसमें लूटों को मनाया जाएगा, क्या आप भी मानेंगे क्या? नहीं, ये जनता जनार्दन की आवाज़ है, जनता की भाव आए हैं, इसलिए हम चुनाव मैदान में आ रहे हैं। आप किसी पार्टी या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जनता जनार्दन की आशीर्वाद से चुनाव। एक और सवाल, आप जनप्रतिनिधि न होने के नाते वर्तमान में आप जिला पंचायत सदस्य भी है, पूर्व में भी आपके पास पद रहे, तो ऐसा आपने राजनीति में क्या महसूस किया कि एक समय ऐसा भी आता है जब अपनों को, अपनों से ही अपनों को लड़ना पड़ता है, जैसे कि आज आप कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी से ही रहे, उसी परिवार में रहे, और आज आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि आप परिवार को छोड़कर मैदान में आए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है भाई आपने, चूँकि हमारे रामायण और महाभारत में उत्तम सटीक उदाहरण है, न्याय नीति धर्म के लिए अपनों से भी लड़ना चाहिए और इसलिए हम न्याय नीति धर्म के लिए, हमारे क्षेत्र की जनता के सम्मान के लिए हम अपनों से लड़ने। प्रद्युम्न सिंह लोधी 2018 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे, इसके बाद फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में को ज्वाइन कर लो तो, और फिर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे उनने जीत दर्ज करी थी। एक बार फिर से वही भाजपा के टिकट पे मैदान में हुई हैं, लेकिन ई बेर उनको तीखो विरोध स्थानीय स्तर पे देखने को मिल रहा। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर, 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।